नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बुलंदशहर के शिकारपुर के मोहल्ला लाल दरवाजा में घर के बाहर सो रहे दंपत्ति पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें महिला की मौत हो गई जबकि पति को गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। शिकारपुर नगर के मोहल्ला लाल दरवाजा निवासी शब्बीर नगर में हथेली ठेली लगाकर अपने परिवार को गुजारा करते थे। मंगलवार रात वो अपनी पत्नी रेहाना के साथ घर के बाहर सोए थे। देर रात अज्ञात हमलावरों ने दोनों के सर पर किसी लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिससे रेहाना की मौके पर ही मौत हो गई जबकि शब्बीर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सीएससी शिकारपुर ले जाया गया। सीएससी से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहाँ इलाज के दौरान शब्बीर की मौत हो गई। सूचना पर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह, एसपी देहात बजरंगबली चौरसिया, सीओ वरुण कुमार सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस को जरूरी निर्देश दिए। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। देखो भैया, हमें तो पता नहीं है, मुझे तो 5 बजे खबर लगी है, मेरे भाई ने बताई कैसे जवाब दे मेरे भाई को और फिर भाई को बीवी को मार दिया। मैं तो फोन करके और जब भी आन के मैंने अपने बच्चों को देखा। वैसे ये घटना की वजह क्या रही है? वजह की भैया अब ये पता ना, हमें तो पता नहीं है, वो जान सकता है, उसका ऊपर वाला जान सकता है क्या हुआ है। वैसे कि ये बता रहे हैं कि कल झंगेरवा चुंगी पर झगड़ा भी हुआ है। किस बात को लेकर? 15,000 रुपये मेरे भाई पे चाहिए थे, उस बात पे झगड़ा हुआ है। बच्चों को बताया भी नहीं कि नाम का क्या है, नाम हुआ है, झगड़ा कैसे हुआ है, वो झगड़ा किससे हुआ था ये मालूम नहीं है। बच्चों को भी नहीं पता है किससे हुआ है, चुंगी पर हुआ है बस। पैसे के लेन देन? हाँ, पैसे के लेन देन। नो, ये क्या मामला था? ये थाना शिकारपुर में लाल दरवाजा मोहल्ला पड़ता है, यहाँ पे एक दंपत्ति अपने घर के बाहर सो रहे थे। बताया गया है कि वो फेरी का काम किया करते थे और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके सर पर किसी ऑब्जेक्ट से प्रहार किया गया, जिसमें कि जो वाइफ थी उनकी मृत्यु हो गई है और पति गंभीर रूप से घायल है। उनको उपचार हेतु अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे जो कि घर में ही सो रहे थे, उनसे पूछताछ की गई है तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व किसी एक व्यक्ति से कुछ पैसों का लेन देन का इनका विवाद था। इनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और हमारी 4 अलग अलग टीमें इसमें लगा दी गई हैं और जो कोई भी इस घटना के पीछे है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।